बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे के दिन की अजमत व फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अनु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सारे दिनों में सूरज निकलता है, हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और अफजल जुम्मे का दिन है। इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए और इसी दिन में कयामत कायम होगी। यूं जुम्मा इस दिन को योम जुम्मा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तमा का दिन है। आसमान और ज़मीन और सारी कायनात जो अल्लाह ताला ने कुछ दिनों में पैदा फरमाई, इनमें से आखिरी दिन जुम्मे का ही है जिसमें इस पैदाइश का काम मुकम्मल हुआ। ये दिन अल्लाह ताला की खास बरकतों और रहमतों का दिन है, इसलिए इस दिन बड़े वाकयात अल्लाह ताला की तरफ से वाक़े हुए हैं और वाक़े होने वाले हैं। इस दिन की इन्हीं खसूसियात की वजह से अहम और शानदार इज्तमाई नमाज के लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर किया गया है। इस दिन की अजमत का अंदाज़ा इससे लगाया भी जा सकता है कि इसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरत है जिसमें इस दिन के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं।